हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ प्रणव जैन और आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनुला। सो अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है आपको कैनुला के बारे में पता होना चाहिए सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कैनुला विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन कलर्ड कैनुला। तो जब हम कैनुला को अनपैक करेंगे तो हम देखेंगे कैनुला की जो नीडल है वो एक प्रोटेक्टर से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नीडल टिप प्रोटेक्टर नीडल टिप प्रोटेक्टर को रिमूव करने के बाद हम कैनुला को वेन में इंसर्ट कर देंगे ऑलमोस्ट पैरल टू द स्किन इंसर्ट करने के बाद कैनुला की जो नीडल होती है हम उसको रिमूव कर देंगे और डिस्कार्ड कर देंगे तो अब वेन में क्या बचा है देखिए वेन में बची है हमारी ये थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब तो कैनुला की डेफिनेशन क्या होती है इट इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड इन टू अ वेन और अ बॉडी कैविटी फॉर किस लिए यूज करते हैं हम कैनोला फॉर आईवी इन फ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट डिफरेंट कलर्स ऑफ कैनुला गेज एक्सटर्नल डायमीटर कैथेटर लेंथ एंड फ्लो रेट ऑफ इंडिविजुअल कैनोला इंडिविजुअल कैनोला को पढ़ने से पहले हम समझते हैं गेज क्या होता है गेज एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हमें साइज के बारे में बताती है ऑफ अ नीडल और अ ट्यूब कैनुला के केस में आपको याद रखना है गेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल डायमीटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट ऑफ कैनुला। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कैनुला एंड पर्पल कैनुला जो ग्रीन कलर का कैनुला होता है वो 18 गेज का होता है और पर्पल कलर कैनुला का, का गॉज

ये जो ट्यूब है इसका डायमीटर है 1.3 पॉइंट इन केस ऑफ ग्रीन कैनोला एंड ओनली पॉइंट mm इन केस ऑफ पर्पल कैनोला सो होपफुली आपको गेज समझ आ गया होगा आपको बस इतना ही याद रखना है गेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल डायमीटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट ऑफ कैनोला सो स्टार्ट करते हैं विद पर्पल कलर कैनोला जो होता है 26 सिक्स गेज का विद एक्सटर्नल डायमीटर 0.6 पॉइंट सिक्स एम एम कैथेड्रल लेंथ नाइनटीन एम एम एंड फ्लो रेट ऑफ अराउंड फिफ्टीन एम एल पर मिनट अगर हम येलो कलर कैनोला की बात करते हैं तो ये होता है हमारा ट्वेंटी फोर गेज का येलो कलर कैनोला ट्वेंटी फोर गेज का है और पर्पल कलर कैनोला ट्वेंटी सिक्स गेज का है तो एक्सटर्नल डायमीटर और फ्लो रेट येलो कलर कैनोला का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पर्पल कलर कैनोला एक्सटर्नल so, डायमीटर है पॉइंट सेवन एम एम और फ्लो रेट है ट्वेंटी एम एल पर मिनट यहां पर जो कैथेटर लेंथ है पर्पल और येलो कैनोला की दोनों की सेम है दैट इज नाइनटीन एम एम कैथेटर लेंथ क्या है ये जो हमारी फ्लेक्सीबल ट्यूब होती है इसको हम बोलते हैं कैथेटर तो इसी की लेंथ है हमारी कैथेटर लेंथ देखिए यहां पर जो हमने फ्लो रेट पढ़े हैं पर्पल में फिफ्टीन एम पर मिनट येलो में ट्वेंटी एम पर मिनट ये फिक्स नहीं होते कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं पर अगर आप एक कैनोला देखेंगे तो उस पर चारों चीजें मेंशन होती हैं देखिए यहाँ पर साइज दिया है 24 गेज विद एक्सटर्नल डायमीटर 0.7 mm, एम कैथेटर लेंथ 19 mm, एम फ्लो रेट 20 एम पर मिनट तो अगर आपके पास कैनोला है तो आप उसकी पैकिंग पर देख सकते हैं उसका गेज एक्सटर्नल डायमीटर कैथेटर लेंथ एंड फ्लोरेट नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्पल कलर और येलो कलर कैनुला के यूजेस तो दोनों ही कैनुला हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप मतलब बच्चों में यूज होते हैं पर्पल कलर कैनुला इज यूज फॉर आई वी इन्फ्यूजन इन न्योनेट्स न्योनेट फ्रॉम बर्थ टू ट्वेंटी एट डेज ऑफ लाइफ इन्फेंट्स जीरो टू वन ईयर एंड एल्डरली एडल्ट और जो हमारा येलो कलर कैनुला होता है उसको हम यूज करते हैं इन्फेंट्स में टॉडलर टॉडलर कौन होता है वन टू थ्री ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर चिल्ड्रन येलो कैनोला को हम जनरली अप टू एट ईयर चिल्ड्रन में यूज करते हैं नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्लू कलर कैनोला एंड पिंक कलर कैनोला जो हमारा ब्लू कलर का कैनोला होता है वो ट्वेंटी टू गेज का होता है विद एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पॉइंट नाइन एम एम कैथेडल लेंथ ट्वेंटी फाइव एम एम एंड फ्लो रेट ऑफ अराउंड थर्टी वन एम 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 एल पर मिनट और जो हमारा पिंक कैनुला होता है वो होता है 20 गेज का विद एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 1.1 पॉइंट वन लेंथ 32 टू एंड फ्लो रेट ऑफ अराउंड 55 फाइव पर मिनट अब हम इसके यूजेस समझते हैं देखिए जो पिंक कलर का कैनुला होता है वो आइडियल होता है आईवी इन्फ्यूजन के लिए और मोस्ट कॉमनली यूज कैनुला होता है एडल्ट में एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन अगर ओल्डर चिल्ड्रन है फ्रॉम अराउंड एट टू ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज या फिर एडोलसेंट ग्रुप एज ग्रुप है तो हम ब्लू कलर कैनुला यूज करेंगे अगर हमें आईवी इन्फ्यूजन चाहिए विथ मॉडरेट फ्लोरेट लास्ट हम पढ़ेंगे ग्रीन व्हाइट ग्रे एंड ऑरेंज कैनुला के बारे में देखिए इन चारों को हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इनकी कैथेटर लेंथ सेम होती है और यूजेस भी सेम होते हैं वाइट ग्रे और ऑरेंज कैनुला इजीली अवेलेबल नहीं थे तो मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कलर का ही कैनुला अरेंज कर पाया हूँ तो ग्रीन कलर का जो कैनुला होता है ये 18 गेज का होता है विद एक्सटर्नल डायमीटर 1.3 पॉइंट थ्री कैथेटर लेंथ 45 फाइव एम एंड फ्लो रेट ऑफ अराउंड 90 एम पर मिनट और जो हमारा वाइट कैनुला होता है देखिए कैथेटर लेंथ सबकी सेम है वाइट ग्रे और ऑरेंज कैनुला का गेज है सेवनटीन सिक्सटीन एंड फोर्टीन एक्सटर्नल डायमीटर है 1.5, 1.8 एंड 2.1 ऑरेंज कलर का जो कैनला होता है वो फ्लोरेट हाईएस्ट फ्लोरेट का होता है अराउंड 270, 250, 270 ऐसे होता है ग्रे का 200 टू 230 थर्टी पर मिनट वाइट 150 टू 180 एटी पर मिनट एंड ग्रीन जो होता है 80, 90, 120 ट्वेंटी पर मिनट अब हम इनके यूजेज देखते हैं ये यूज़ होते हैं ट्रॉमा में और मेजर सर्जरी में क्योंकि इनका फ्लोरेट बहुत ज़्यादा है तो ट्रॉमा, मेजर सर्जरी जिनमें हमें रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है वहां पर हम इन कैनुला को यूज करते हैं जो ग्रीन कलर का कैनुला होता है ग्रीन कलर का कैनुला मोस्ट कॉमन कैनुला है दैट इज़ यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एडल्ट्स ग्रे कलर का कैनुला हमारा पीपीएच किट में आता है पोस्ट पार्टल हेमरेज किट पोस्ट पार्टल हेमरेज हुआ है तो रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर फ्लो रेट ज़्यादा चाहिए तो ग्रे कलर के कैनुला का फ्लो रेट कितना है अराउंड टू ट्वेंटी एम एल पर मिनट सो वहां पर हम ग्रे कलर कैनुला यूज करते हैं सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कैनुला अगर आपको ये वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा